नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्विक लाइब्रेरी के मुंशी प्रेमचंद रेडियो सीरीज में। और आज आपके लिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक और नायाब कहानी, लांछन। तो ये कहानी है देवी रानी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला हैं, और वो अपने पति मुंशी श्याम किशोर और अपनी बच्ची शारदा के साथ रहती हैं। और इधर रजा, जिसकी जूतों की दुकान है, उसकी नजर देवी रानी पर पड़ जाती है। तो अब क्या रजा देवी रानी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो पाता है, या देवी रानी के पति मुंशी श्याम किशोर रजा की चालों को समझकर उसकी बाजी को पलट देते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धोधाकर साफ कर दिया, और अब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, अब फिर से इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, घर का खर्चा नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहां खाने से ही नहीं बचता, थैली कहां से लाऊं? देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार तो कुछ मदद करेंगी ना? देवी, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक से काम करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बहुत अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल रखती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिने बात भी नहीं पूछती, सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है हुजूर को देख देख कर ही भूख प्यास मिट जाती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलुओं की बराबरी कोई नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं कौन सी ऐसी खूबसूरत हूं? मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूं, बड़ी बड़ी खतरनियों को देख चुका हूं, मगर गोरेपन के सिवाय और कोई बात नहीं, उनमें ये नमक कहां सरकार। देवी, अच्छा 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा? मुन्नू, भला सरकार 2 रुपये तो दे दें। देवी, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूं सरकार, आप नाराज ना हो, तो एक बात पूछूं? देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाए, मैं फिर कभी कहूंगा। देवी, नहीं नहीं कहो, क्या बात है, अभी ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या? देवी, नहीं यहां तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूं। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हां सरकार रंडियां बहुत हैं यहां, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहां रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं शाम से तो पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा हुजूर कि रात को उधर ना जाया करें, आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में बाबू श्याम किशोर आ गए, मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता बना।
श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था? देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े पर रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मर्ज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भुतने से ना तुम जाने कैसे बातें करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई ना दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं? देवी, जी हाँ, तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, सोलहों आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में कोई है क्या भला? मैं तो तुम्हारी इन मदभरी आंखों का आशिक हूं, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो आंख उठा कर ना देखूं। अरे, आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरें बग्घियां दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला, ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी ने मुस्कुराकर कहा, चलो बातें ना बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से आकर कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी ही है, घर की रोटियां तो मिलेंगी ही, नहीं तो अपने हाथों से ठोकना पड़ता था। क्या है कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी ने हंसकर कहा, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार, पर बबुआइनों की तरह अगर मेरी औरत होती तो उसे बोलने को जीना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई और औरत नहीं देखी मैंने। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामत करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामत नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूं। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई, जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी, आपको देखते ही आंखें नीची कर ली, और आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा ये लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर से उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो तुमने मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल ना गलेगी। देवी, बहुत अच्छा काम किया तुमने,
निगोड़े की आंख फूट जाए। जब भी घर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना उससे इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यहां ये क्या बातें कर रहा है। देवी, अच्छा तो ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है कि इस दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं हुजूर, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कानों में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे आया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मुन्नू को मुंह मत लगाओ, पर तुम मेरी बात मानती नहीं हो। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। और भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने तो साफ साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात, मैं कौन सी उसकी सब बातें बैठकर सुनती रहती हूं। श्याम, तो क्या वो दीवारों से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है ना। श्याम, चिक के पड़ी होने पर भी बाहर से आदमी तुमको साफ देख सकता है। देवी, ये मुझे ना मालूम था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ फायदा क्या, और मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसलखाना कौन साफ करेगा। श्याम, ठीक है आए, मगर उससे बात ना करनी चाहिए। अच्छा, आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखाएं, सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, रजा भैया ने तो दी है, कहते थे मैं तुमको अच्छे अच्छे खिलौने लाकर दूंगा। श्याम, ये रजा भैया कौन है? शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही, अब मैं उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठा कर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे आके दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, रजा भैया कहते थे कि तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या करती रहती हो, जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती। देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में तो बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में बहुत तेज हो, ये मैं जानता हूं, ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती। देवी, बातें मैं किससे करती हूं, यहां तो कोई पड़ोसन भी नहीं है। श्याम, मुन्नू तो है ही। देवी, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठ के बातें किया करती हूं? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है, तो क्या कह दूं, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, अच्छा ठीक है, खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ और देख के आओ, मैं ना जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया, क्या कसम खाली है कि ये जो भी कोई बातें कहेंगे वो मैं ना मानूंगी। देवी, ना जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूं, मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे, तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था।
अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से एक और तांगा पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो वो रजा भैया आ रहे हैं, और फिर ताली बजाकर कहने लगी, रजा भैया इधर देखो, हम तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर सांठ गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया, रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। इस पर अब बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि सोच रहे थे कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा ना हो जाए तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए, अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक ही आया, क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर जाकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर में जाने का समय ना था, सो छावनी से घर लौट आए। देवी ने घर पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो, और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छवि दिखाओ, तुम ना जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी भी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती, उस सब आगे बेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो। श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेच समझ जरूर समझता हूं। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह ना लगाना चाहिए था, अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वो छटा हुआ शोहदा है, या अब भी कोई शक बाकी है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित अशांत था। वो दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बनठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शहोदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शहोदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं, ईश्वर ना करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े, इनसे कैसे पिंड छुड़ाऊं। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया।
इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय ना सूझा। देवी से बोले, कहो तो ये घर छोड़ दूं, इन शहोदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर फिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय, मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत मालूम नहीं होती। एक दो नहीं, लाख दो लाख शहोदे हों तो क्या कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है। श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब ना दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। ये शक्की तो है ही, ना जाने उसका आशय क्या समझ बैठे। और फिर तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सर में पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर का समाचार जानने के लिए उसका चित ललायत हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया है, कसम ले लीजिए जो एक बार भी उधर गया हूं उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं, पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूं। सरकार, किसी काम में जी नहीं चाहता, बस हर घड़ी आपकी ही याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा। ये मकान तो बहुत छोटा है हुजूर। देवी, तुम्हारे ही कारण वो मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी ऐसी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठकर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसे आदमी पर शक तो होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था, वो छावनी में रहते थे तो मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे से आगे ना निकलते थे। सरकार उसे शोहदा कहती हैं, उसका सा भला आदमी तो मोहल्ले भर में नहीं है। पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, तीसों रोजे रखता है, घर में बीबी बच्चे सभी मौजूद हैं, क्या मजाल की किसी पर बदनिगाह हो। देवी, खैर होगा, तुम्हारे सर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर, आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा तो चोट आ गई। चोट तो आई मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे, पर अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए, सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ, हैं शहर में ही, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के रहा नहीं जाता, फिर चाहे वो अपने घर का लाट साहब ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा, वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहां कौन उसका दिया खाते हैं। देवी, अच्छा उस घर में अभी तक कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए थे हुजूर, मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां आप कोई दूसरा कौन रह सकता है, हम लोगों ने तो उनको भड़का दिया। रजा मियां तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं, बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं।
हुजूर को तो हम गरीबों की याद काहे को आती होगी। देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूं, जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन खाना नहीं खाते। अच्छा, ये लो पैसे, कुछ बाजार से जाकर खा लो, भूखे हो गए। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसों की कौन बात है, आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे ये शैतान यहां फेरा पहुंचा। देवी, अभी उनके आने में जरा देर है। मुन्नू, ओह एक बात तो भूल ही जाता था, रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे, बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो पाठशाला से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी। अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते, अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी, कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं है। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे, हाँ 30-35 रुपए के तो होंगे ही, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं इनको लौटा के ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी, मैं सिर्फ एक मेम को रख लेती हूं। मुन्नू, हुजूर रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो वो जीता ही ना छोड़ेंगे, बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं हुजूर, बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, मेम ले ले और सब लेकर क्या करेगी। शारदा, मैं तो सब लूंगी, मेम को मोटर पर बिठाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के लिए खाने बनाऊंगी। कहां से आए हैं अम्मा बताओ। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इनमें से एक आदि कोई ले ले। शारदा, मैं तो सब लूंगी। देवी, मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहां से लाए हो मुन्नू बताओ। मुन्नू, तुम्हारे रजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, रजा भैया ने भेजे हैं, ओहो रजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ, रजा मियां से कह देना फिर से यहां खिलौने ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी खिलौने रख दूं, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियां के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, भूलकर भी उनसे खिलौनों की चर्चा ना करना। शारदा, हां अम्मा रख दो, नहीं तो बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि रजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी रजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे भी कान काट लेंगे, कहेंगे लड़की भीख मंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हां हां अम्मा रख दो, नहीं तो बाबूजी इनको तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए, बौहें चढ़ी हुई थी, आते ही बोले, वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज ही उसे देखा, क्या वो यहां भी आया था। देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हां आया तो था श्याम, और तुमने उसे आने दिया, मैंने मना किया था ना कि कभी उसे अंदर कदम ना रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती। श्याम, उसके साथ तो वो शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने तो आज भी ना कहा होगा कि यहां मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल ना रहा, और अब वो यहां कर क्या करने आएगा। श्याम, जो करने आज आया था वही फिर करने आएगा,
तुम तो मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हुई हो। देवी ने क्रोध में एंट कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी और आज तुम फिर वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार मैंने ये शब्द सुने तो नतीजा बहुत बुरा होगा, इतना कह देती हूं। तुमने मुझे कोई वैश्य समझ लिया है क्या? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। देवी, तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूं। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वो आता ही रहे तो हानि क्या है? मेहतर सभी के घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को फिर कभी अपने द्वार पर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूं। और ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी थी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज समझते हैं, जो काम वेश्या भी ना करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ ना डालें। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छुपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वो किसी तरह से रोक ना सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर ही हैं, कौन सा इतनी जल्दी नीचे आ जाएंगे? तब तक क्यों ना सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं? उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी खबर उन्हें ना हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहां से पाए? शारदा की घिग्गी बन गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलते क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां से पाए? फिर इसी तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हां, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती, उसका गूंगी हो जाना भी इससे कहीं अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सर से टाल देती, पर होनी को कौन टाल सकता है? श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झंझोड़कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी और ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयतुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ ना बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें इख्तियार है, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता, मगर मेरे साथ
तुम्हें छल कपट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूं। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ही ली है तो मैंने भी निश्चय कर लिया है, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती हो, बल्कि तुम तो यहां रहने के योग्य ही नहीं हो। देवी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर लाकर दे दो, जला जलाकर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध ना था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो मैं उसे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है कि तलू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों ना हक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ भी ना पाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूं। देवी, हां तुम झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहां से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त क्यों ना लौटा दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे, वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं वो? मैं कहती रही कि मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? हां अगर ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, अच्छा तो इनके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि चार दिन देखते हुए लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने चांटा तान कर कहा, कह दिया ना, मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबा कर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार ही डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं कहां से दिखा दूं? श्याम किशोर ने क्रोध में उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, ना दिखलाएगी तू उन चीजों को? देवी, जो अरमान पूरे हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा मैं तेरा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बात ना करेगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस शहोदे को घर पर देखा तो गला काट लूंगा। और यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी ना था। उसका अंतकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो वो कदाचित बहुत खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मां की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली।
बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं, तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। तो अब क्यों ना वो अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क से उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खेलने के लिए दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई दी, दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनी को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई निकल गई। सड़क पर एक मांस का लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी ना टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में से कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। पर लोथ कौन उठाए। एक आदमी लपक कर द्वार पर पहुंचा। बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेहताशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती, वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवताओं से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं कि वो कहां गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर ना रहते थे, पर क्या आज भी उन्हें भी गायब हो जाना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख ना था जितना अपनी असमर्थता का। वो कैसे शव का दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा, क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेली ही जाना पड़ेगा, क्या रात भर लोथ पड़ी ही रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वो पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ पड़ा और वो रोती हुई बाहर आई। पर ये बाबूजी ना थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी, तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी ही है, वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता है। घंटे भर तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम ना चलेगा। थानेदार ने उससे जो भी कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया, जरा भी ना शर्माई, जरा भी ना झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके सामने बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी। दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं।
देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? गरीबों के बच्चे क्या इसी तरह कुचले जाते रहेंगे? दारोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमट दिखात है। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी इसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था, आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया और खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। फिर प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिनों की छुट्टी ना ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूं, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से ना हुआ था। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और ये उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम ना था। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्या है, तुम क्यों यहां बार बार आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूं तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं, भला वो हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूं। कैसी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू कहकर दौड़ती थी। जब वैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो बीतती होगी वो हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा, मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहां रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, होंगी ही, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था, माँ तो पूरा दिन भर साथ रहती थी, मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वो कहाँ भूल सकती है, उसको तो पूरी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुन देवी ने कोठे पर आकर आंगन की ओर देखा और मुन्नू को देखकर उनकी आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने का क्या फायदा, यही सब अंधेर देखकर कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे तो अल्लाह मियाँ भी डरते हैं, और जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। और जब वो चला गया
तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा मालूम नहीं होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंजना होता तो यहां आता ही क्यों। 15 दिन गुजर गए, बाबू साहब फिर से दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते कटता था। मोहल्ले की दो चार नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का उनसे मन ना मिलता था। वो झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे तो आइएगा। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है कहो तो। मुन्नू, जरा नीचे तो आइए। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियां बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी हुई वो हुई। रजा दरवाजे पर ही खड़ा था, उसने ये बातें साफ साफ सुनी। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौटा हूं। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो और कर ही कह सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए ना छोड़ता, चाहे किसी राजा की ही मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठे रहे हैं, भला ये भी कोई बात है, मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा। फूल सी बच्ची को जालिमों ने मार डाला, अब कौन मुझे रजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा कसम उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने लेकर आया हूं। क्या जानता था कि यहां ये सितम हो जाएगा। मुन्नू देख, ये तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका ना रहेगा, उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उछट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से ये ताबीज लिखवाया है। इस तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक ना एक बहाने से द्वार से ना टले जब तक कि बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते हुए देख लिया, अब ऊपर आकर गंभीर भाव से बोले, रजा यहां क्या करने आया था। देवी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था, आज दिल्ली से आया है, ये खबर सुनकर दौड़ा आया। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से। देवी, तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, तो इसके माने ये हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हरज नहीं, क्यों। देवी, सबसे मिलने थोड़ी ना जा रही हूं। श्याम, तो रजा मेरा साला है या ससुरा। देवी, तुम तो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, ये जरा सी बात है, एक भले घर की स्त्री एक शहोदे से बात करे ये जरा सी बात है, तो बड़ी बात किसे कहते हैं। ये जरा सी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो भी मुझे पाप ना लगेगा। देखता हूं तुमने फिर से वही रंग पकड़ा है, इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो। देवी सन्नाटे में आ गई, एक तो लड़की का शोक, उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप, उसके सर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी, इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी, केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो ना, तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की कोई आकांक्षा नहीं है, जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए
उतना ही अच्छा, कुल में कलंक तो ना लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। श्याम, मैं कहता हूं चुप रहो। देवी, क्यों चुप रहूं, क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोलती है, मैं उठकर तेरा सर तोड़ दूंगा। देवी, क्या सर तोड़ दोगे, कोई जबरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखें तेरा कौन हिमायती है। ये कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ लगा दिए, मगर वो न रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला, केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो वो ये निश्चय करना चाहती थी कि वो आदमी है या कुछ और। और जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी भी ना निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा सिर, तू है किस फेर में। और ये कहते हुए वो नीचे चले गए, झटके के साथ किवाड़ खोले और धमाके के साथ बंद कर दिए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए, पर श्याम किशोर घर ना लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम हुआ ही ना था। हां, कुछ दिनों तक वो उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए ही उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी, उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वो सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वो रूप नहीं रहा, वो यौवन नहीं रहा, वो नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाएं? उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इतनी जरा सी बात पर वो यूं मुझ पर टूट पड़ते? कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं, यही सब बातें हैं तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहां रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ ना सही, ये दुर्गति तो ना होगी? इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे ये धड़का समाया हुआ था कि कहीं वो आकर फिर से मारपीट ना शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहां से गए हैं, वाहरी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती, ना जाने इनके मन में ऐसी बातें आती कैसे हैं। कुछ नहीं, ये स्वभाव के नीच, दिल के मैले स्वार्थी आदमी है, और नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रहीं, जहां इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहां रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो गई नहीं कि ये जो चाहे करे, मारे या काटे, और मैं पड़ी पड़ी सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला दबा ना दें या छुरी ना भोंक दें। वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पढ़ चुकी थी, शहर में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के वो थरथरा उठी, यहां रहने से प्राणों की कुशल न थी।
देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहां से कैसे निकलूं और फिर यहां से निकलकर जाऊं कहां? कहीं इस वक्त मुन्नू का पता चल जाता तो बड़ा काम निकलता, वो मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता? और एक बार मैके पहुंच भर जाती फिर तो लाला सर पटक कर रह जाए, भूल कर भी मैं वापस ना आऊं, ये भी क्या याद करेंगे? रुपए क्यों छोड़ दूं जिसमें ये मजे से गुलछर्रे उड़ाए? मैंने ही तो कांट छांट कर जमा किए हैं, इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी? खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने नीचे जाकर किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी ना हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा, देवी सहम उठी, ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उनकी हिम्मत ना पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे, फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्का मारना शुरू किया कि मानो केवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस ना कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम किवाड़ खोल, ओ ब्लडी किवाड़ खोल अभी। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे, होश में शायद दया आ जाती इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो, अब तो मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं, मारोगे कहां से, तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जुलूल बकते चले गए। दो चार पड़ोसियों ने फटकारे भी सुनाई, आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर से चलते हैं, जाइए किसी यार दोस्त के घर जाकर लेटे रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है, और जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी शोभ जरा भी दुख ना था, बस केवल एक इच्छा थी कि यहां से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी ना था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके, था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर सारी आशाएं अवलंबित थीं। अब उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि वो कहां जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा ना था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वो अपनी जान ना बचा सकेगी, उसे यहां ना पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वो सारी यातनाएं सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उसे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें ना खुली थी लेकिन पूछने पर रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा, कल रात को तुम्हारा मेरे घर पर जाना गजब हो गया, जो कुछ हुआ
वो फिर कहूंगी, पर मुझे फिलहाल कहीं एक घर दिलवा दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता ना चले, नहीं तो वो मुझे जीती ना छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता ना चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी, हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक ही नहीं थे। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने के लायक हैं। मैं तो मालकिन से कहता ही था कि बाबू साहब को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही ना थी। आज रात को ही मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा है, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी आदत नहीं, गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है, और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं हैं। मुन्नू, अब हुजूर मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं। अच्छा, कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा। रजा, अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूं, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में तो बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वो आपके लिए कहारिन बुला देगी, आपको किसी भी बात की तकलीफ ना होगी, मैं मकान देखने जा रहा हूं। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नजर में आए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वो आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादी को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी भी एक बात ना कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शहोदे तो नहीं है, लेकिन मालूम कैसे हो। ये सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग कर दिया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठें, मैं देख आता हूं। देवी, मैं अंदर ना जाऊंगी। मुन्नू, खुदा कसम खा के कहता हूं, घर बिल्कुल खाली है, आप हम लोगों पर शक करती हैं, पर हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाएं तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के सोतर कर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी, और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वो अभागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी, क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा। श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में ना होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न से हो गया। इतने सवेरे किबाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली, कोई आवाज ना सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सूना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा
सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में से रुपए नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भरम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए उठाकर नहीं ले जाता। वो चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वो कहां गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह ना था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया, इसके उपरांत वो कर क्या सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष ना भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में महरी आएगी, वो देवी को घर में ना देखकर पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हे भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया ना थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश ना करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका कोई और कारण ना हो, मगर उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वो ही अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहां तक कि वो अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा ना थी जो उन्होंने पूरी ना की हो। उसका जरा सा भी सर दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे, रात की रात उसकी सेवा में बैठे रह जाते थे। और वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे क्या कोई बहका सकता है? जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, ये केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है? हां दुष्टा, ले, आज से तू स्वतंत्र है, तू जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने ये कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा? इसका फल तो तुझे ईश्वर देगा। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा ना सुना, द्वार खुले ही छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
और क्या सोचते हैं आप कि श्याम किशोर, जानते हुए भी कि देवी रानी कहाँ मिलेंगी, वो उन्हें लेने क्यों नहीं गए? और रजा ने क्यों अपना परिवार होने के बावजूद किसी का परिवार उजाड़ कर उसे हासिल करने की चाल चली? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर आप बेल आइकन भी दबा दोगे तो आने वाले कहानियों की खबर उनके अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।